अल्लाह के भी तीन उसूल। पहला उसूल क्या, या तो आपकी दुआ सुनकर फौरन आपको दे डालता या देरी से देता, अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक, उसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। या अल्लाह अगले महीने 24 तारीख को मेरी बेटी की डेट फिक्स हुई शादी की, उसके अंदर 4 तोले सुनने का इंतजाम करना का तो करना, मैं सुनता नहीं, कह तो तुम्हें अल्लाह क्या जबरदस्ती कर रही। या अल्लाह अगले महीने में वो खर्चा देना है मुझे 4 लाख रुपए, उसके अंदर तू कैसा देता मुझे मालूम नहीं, मुझे होना का तो होना, कह तो क्या घंटा दी खजाना दी अल्लाह को, नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकते, मांग सकती अल्लाह से, गिड़गिड़ा सकती, अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो जल्दी देता चाहे तो देरी से देता, अपनी मर्जी का मालिक। मांगना हमारे इख्तियार में, देना अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह की पहला कानून क्या, आपकी दुआ को कबूल करने के बाद या तो जल्दी देगा या तो देरी से देगा, यह अल्लाह का पहला कानून। अल्लाह का दूसरा कानून क्या, जब आपने 3 शर्तों से दुआ कर दी, आपकी दुआ आसमान में चली गई, अल्लाह के दरबार में पहुंच गई, उस दुआ के बदले में अल्लाह आपको ना जल्दी देता ना देरी से देता, बल्कि उस दुआ के बदले में आपकी तकदीर में शाम तक आपका बड़ा एक्सीडेंट होने वाला रहता, आपके ऊपर बहुत बड़ा हादसा होने वाला रहता, आपका दुकान जलने वाला रहता, आपका बच्चा बीमार पड़ने वाला रहता, आपकी छत गिरने वाली रहती, क्या भी एक बड़ी आफत आने वाली रहती, जो अल्लाह को फ्यूचर मालूम रहता, हम ना मालूम नहीं रहता। अल्लाह क्या करता, इस दुआ का फल देने के बदले में उसकी मुकद्दर की बड़ी आफत को अल्लाह टाल डालता है, जिसका इल्म हमना नहीं रहता। हमें क्या समझते रहती, हमें दुआ कर रही नहीं मिल रहा, हमें दुआ कर रही नहीं, अरे तुम्हारी कौन सी दुआ से तुम्हारी मुकद्दर की फ्यूचर की बड़ी बड़ी बलाएं अल्लाह टाल रहा, तुम ना क्या मालूम। तीसरा कानून क्या, आपकी दुआ कबूल करके अल्लाह जल्दी भी नहीं देता, देरी से भी नहीं देता, मुकद्दर की बलाएं भी नहीं टालता, उस दुआ को खयामत का खजाना बना के अल्लाह रख डालता। इस दुआ का फल मैं देता नहीं दुनिया में, आखिरत में देता हूं, मेरे फरिश्तों ये दुआ को जखीरा आखिरत बना के आखिरत के वास्ते उठा कर रख डाल। खयामत के दिन जब अल्लाह देखता बंदा ऐसी क्रिटिकल में फंस गया, इधर नेकियां बराबर उधर गुना बराबर, रिश्तेदारों को तलाश रहा, कौन भी भीख में देने एक नेकी तैयार नहीं, पर तड़प रहा, काश मेरे पास चंद नेकियां जाए, मैं जन्नत में चला जाऊं, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। जब इन्हें ऐसे आलम में भटकते रहता, अल्लाह बोलता मुझे मालूम था तू ऐसी सिचुएशन में आपको फंसता है, मेरे बंदे मैं रहम करने वाला गफूर रहीम, मैं तेरे लिए एक खजाना तेरा उठा के रखा हूं। मेरे फरिश्तों लाओ जी उसकी दुआ हो, वो बंदा अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलता मेरे अल्लाह, मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी बड़ी नेकी नहीं किया, तू शहनशाहों का शहनशाह है, मेरे साथ मजाक मत कर, इतनी बड़ी नेकी मैं कभी नहीं करया। अल्लाह बोलता मेरे बंदे ये तेरी नेकी है, ये तेरी नेकी है, तूने उन 3 शर्तों को मद्देनजर रखकर मुझसे दुआ किया था, और मैं उस दुआ के बदले ना तुझे जल्दी दिया ना देरी से दिया, ना तेरी मुकद्दर की बलाएं टाला, आखिरत का जखीरा बनाया था, ये तेरी दुनिया की दुआ है जिसका फल मैंने दुनिया में नहीं दिया, आखिरत में इस शक्ल में तुझे दे रहा हूं। जब अल्लाह ये बोलेगा बंदे को, ये बात सुनेगा बंदा, उस वक्त कहेगा अल्लाह तू कितना बड़ा अरहमुर रहीमीन है ना अल्लाह, अल्लाह मेरी दुनिया की एक दुआ का बदला इतनी बड़ी पहाड़ की शक्ल में तू देता, इस बात का इल्म अगर मुझे दुनिया में होता, मैं तमन्ना करता था काश मेरी दुनिया की सारी दुआएं मुझे दुनिया में दिए बिना आखिरत में देता तो कितना अच्छा होता। तमन्ना करेगा इंसान अल्लाह के ये 3 कानून।